दोस्तों, अगर आपके फोन में सही से नेटवर्क नहीं आ रहा है, वो चाहे घर के अंदर या फिर बाहर, जिसकी वजह से आपके फोन का इंटरनेट बहुत ही स्लो चल रहा है, आप चाहे कोई भी सिम कार्ड यूज कर रहे हो, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वीआई हो गया, अगर आपके फोन में सही से नेटवर्क नहीं आ रहा है तो सिर्फ 3 ट्रिक को अपने फोन के अंदर अप्लाई करना है। उसके बाद हमेशा दोस्तों आपके फोन में मेरी तरह जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं फुल नेटवर्क, हमेशा फुल नेटवर्क आएगा, एक भी पॉइंट नेटवर्क दोस्तों आपके फोन से नहीं जाएगा और आपके फोन का इंटरनेट इतना फास्ट चलेगा ना कि आप देख करके चौंक जाएंगे। इसके साथ साथ जब भी आप किसी को कॉल करेंगे फटाक से कॉल कनेक्ट हो जाएगा, या फिर कोई भी आपको कॉल करेगा तो फटाक से कॉल आ जाएगा। नहीं तो क्या होता है, कोई भी आपको कॉल करता है तो कॉल नहीं लगता है, उसके साथ साथ आप किसी को कॉल करते हैं तो कॉल नहीं लगता है क्योंकि सही से नेटवर्क नहीं आता। तो ये सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपको 3 ट्रिक अपने फोन के अंदर अप्लाई करना है। तो 3 ट्रिक कौन सा है जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों, मैं आपको 3 ट्रिक के बारे में बता देता हूं जिससे अगर आप अपने फोन के अंदर अप्लाई करते हैं तो हमेशा दोस्तों आपके फोन के अंदर फुल नेटवर्क आएगा, चाहे आप कोई भी सिम कार्ड यूज करें अपने फोन के अंदर, चाहे आप घर के अंदर हो, रूम के अंदर हो, कहीं पर भी रहोगे, आपके फोन में हमेशा फुल नेटवर्क आएगा और इतना फास्ट इंटरनेट चलेगा, इतना फास्ट कॉलिंग होगा कि आप देख करके चौंक जाएंगे। सिर्फ आपको 3 ट्रिक को अपने फोन के अंदर अप्लाई करना है। तो सबसे पहली ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आपको अपने फोन का जो मेन सेटिंग है उसे ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने फोन का मेन सेटिंग ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको पहले नंबर का ट्रिक बताऊँ, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक एक लाइक दोस्तों हमें वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ यार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको पहले नंबर का ट्रिक बता देता हूँ। तो सेटिंग ओपन करके एकदम नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिस्टम सेटिंग देखने को मिलेगा, या कई कई फोन में एडिशनल सेटिंग, एडवांस सेटिंग होगा, ठीक है। तो उसे दोस्तों आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे आपको देखने को मिलेगा रीसेट ऑप्शन, आप देख सकते हैं, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको रीसेट करने के 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पर है रीसेट का, आप देख सकते हैं रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, तो इसे आपको ओपन कर लेना है। अब इसे ओपन करेंगे आपको यहाँ पर सबसे पहले सिम को सेलेक्ट करना है, कौन से सिम कार्ड में सही से नेटवर्क नहीं आता। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे फोन में 2 सिम कार्ड लगे हैं, एक है जियो और एक है एयरटेल। तो जिस भी सिम में दोस्तों आपका सही से नेटवर्क नहीं आता है उस सिम को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे रीसेट सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपने फ़ोन का जो स्क्रीन का पासवर्ड है, स्क्रीन लॉक का पासवर्ड, वो यहाँ पर टाइप कर देना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको रीसेट सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर प्लीज़ वेट करने के लिए बोलेगा। उसके बाद आपके फ़ोन का पूरा जो नेटवर्क सेटिंग है उसे रीसेट कर दिया जाएगा। ये चीज़ दोस्तों आपको महीने दो महीने बाद एक बार जरूर करना चाहिए अगर आप चाहते हैं अपने फ़ोन में फुल नेटवर्क आए। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो नेटवर्क है वो पूरी तरह से यहाँ पर रीसेट हो गया है। ये पहला ट्रिक आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। पहले ट्रिक को अप्लाई करने के बाद अब दूसरे नंबर का ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ जिसे आपको अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करना है। जिसके लिए दोस्तों आपको अपने फ़ोन में डायलर पैड को ओपन करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको एक कोड डायल करना है। कोड आप यहाँ पर देख लीजिए, *#*#4636, उसके बाद *#*#, जैसे आप ये कोड डायल करेंगे आपके सामने इस प्रकार से 4 सेटिंग खुलकर आ जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे ऊपर दिया हुआ है फोन इंफॉर्मेशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यह ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर नीचे की तरफ चले आना है। जैसे आप यहाँ पर नीचे आते हैं दोस्तों तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं SMSC, और ये पूरा का पूरा जो कोड है, यहाँ पर एक कोड रहता है वो ब्लैंक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये कोड अगर ब्लैंक रहेगा तो आपके फ़ोन में सही से नेटवर्क नहीं आएगा, आपके फ़ोन का जो इंटरनेट है वो काफ़ी स्लो चलेगा, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको रिफ्रेश का एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये जो कोड होता है इसे आपको हर महीने में एक बार रिफ्रेश करना होता है, अपडेट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक कोड आ जाएगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे आपको सिंपली करना क्या है, अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे आप अपडेट के ऊपर क्लिक कर देंगे ये जो कोड है वो यहाँ पर दोस्तों अपडेट हो जाएगा, समझ लो। ये काम आपको एक महीने में एक बार करना है, ये हमेशा आपको नहीं करना है, एक महीने बाद एक बार करोगे तो हमेशा दोस्तों आपके फ़ोन में क्या है, नेटवर्क फुल आएगा। तो ये दूसरा ट्रिक को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको यहाँ से भी बैक कर देना है।
अब तीसरे नंबर का ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो तीसरे नंबर का ट्रिक है बहुत ही कॉमन है, बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं लेकिन बहुत ही कम लोग इसका इस्तेमाल करते होंगे। जैसे जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रिक बताए हैं वैसे ही वैसे आपको अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करना है, तभी दोस्तों जो नेटवर्क है वो एकदम फुल मिलेगा, इंटरनेट स्पीड एकदम फास्ट चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, जो तीसरे नंबर का ट्रिक है उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, कई कई फ़ोन में सिर्फ पावर बटन दबाने से आ जाता है, कई फ़ोन में वॉल्यूम बटन और ये अप एंड डाउन बटन दबाने से इस प्रकार से कुछ सेटिंग ओपन होके आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रीस्टार्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो तीसरे नंबर का ट्रिक है दोस्तों वो यही है कि आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना होगा। तो आपको सिंपली रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, अब आपको वेट करना है जब तक आपका फ़ोन रीस्टार्ट नहीं हो जाता। जैसे आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा आप खुद देखेंगे आपके फ़ोन के अंदर फुल नेटवर्क आएगा और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग के जो दो ट्रिक लगाए हैं वो आपके फ़ोन में जो नेटवर्क है उसे हमेशा फुल बनाए रखेंगे, एक भी पॉइंट गायब नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ये तीन ट्रिक हैं जिसे आपको अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करना है और हमेशा आपको आपके फ़ोन में फुल नेटवर्क मिलेगा, एक भी पॉइंट गायब नहीं होगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन रीस्टार्ट हो चुका है और मैंने जियो सिम के अंदर इस ट्रिक को अप्लाई किया था और जियो सिम का जो नेटवर्क है वो आप देख सकते हैं पूरी तरह से फुल है, एक भी पॉइंट डाउन नहीं है, जबकि सिम नंबर 2 का एक पॉइंट डाउन है, जैसा कि आप देख सकते हैं सिम नंबर 2 में एयरटेल है जिसमें मैंने अभी ये ट्रिक अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। जिस सिम में दोस्तों आप ये ट्रिक अप्लाई करेंगे उसका जो नेटवर्क है वो हमेशा दोस्तों फुल रहेगा, एक भी पॉइंट गायब नहीं होगा और जो इंटरनेट है वो सुपर फास्ट चलेगा। जितना दोस्तों आपको स्पीड नहीं मिला होगा उससे भी कई गुना ज़्यादा फास्ट इंटरनेट चलेगा अगर आप ये दो ट्रिक को अप्लाई करते हैं और अपने फ़ोन को पूरी तरह से रीस्टार्ट कर लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो टोटल तीन ट्रिक हैं जिसे आपको अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करना है और हमेशा फुल नेटवर्क आपको मिलेगा। तो अगर आपको दोस्तों यह ट्रिक पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।